हेलो एंड वेलकम टू किचन स्टोरीज। आज हम किचन स्टोरीज में बनाने जा रहे हैं एक और यमी एंड डिलिशियस सूप। अब हर रेसिपी के साथ कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। इस रेसिपी के साथ है कि ये एकदम फैट फ्री है। वाओ, अब आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे जैसे मैं हूँ, तो वो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा जैसे आप वीडियो देखेंगे। तो ये सूप का नाम है ब्रोकली एंड आलमंड सूप। तो आइए बनाते हैं इसे और देखते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ब्रोकली। तो ये एक मीडियम साइज ब्रोकली लिया है मैंने। तो ये इसके स्टॉक पार्ट है एंड ये इसका फ्लावर पार्ट है। तो इनको मैंने अलग अलग काट के रखा हुआ है। तो एक मीडियम साइज ब्रोकली लीजिए या स्मॉल टू मीडियम साइज ब्रोकली। फिर ये मेरे पास स्प्रिंग अनियंस है, दीज वे 10 to 12 स्प्रिंग अनियंस, जिनका मैंने वो दोनों स्टेम पार्ट एंड अनियन पार्ट दोनों लिया है। दिस इज पेपर, कोरिएंडर फॉर डेकोरेशन, कॉर्नफ्लावर, दिस इज 2 teaspoon ऑफ कॉर्नफ्लावर, ये सब मेजरिंग कप के हिसाब से और मेजरिंग स्पून के हिसाब से है। दीज आर आलमंड्स, 25 आलमंड्स आर देयर, सो यू कैन टेक अराउंड 25 to 30 आलमंड्स एंड यू हैव टू सोक देम इन वाटर लाइक फॉर एटलीस्ट 4-5 आवर्स एंड देन यू हैव टू पील देम एंड पील करने के बाद आपको जो मिलेगा सो ऐसे। एंड ये नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे हम। ये मेरे पास गार्लिक है, ये मैंने लिया है 8 to 10 गार्लिक, जिनको मैंने ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। दिस इज 2 cups ऑफ मिल्क, तो फुल क्रीम मिल्क जो होता है वो है। तो आइए हम अपना सूप बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, ये भी मेरे पास 2 cup पानी है। तो 2 cup पानी और 2 cup दूध लेते हैं हम। तो अभी हमें पानी को बॉईल करना है और सबसे पहले हम इसमें ये स्टॉक पार्ट डालेंगे। एक्चुअली स्टॉक को थोड़ा सॉफ्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है कम्पेयर टू द फ्लावर एंड द स्प्रिंग अनियंस। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फैट फ्री सूप है, तो इसमें सब कुछ बॉईल ही होता है। उसको डाल देते हैं एंड 2 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। हम ज्यादा देर नहीं कुक करेंगे वेजिटेबल्स को, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ज्यादा देर कुक करते हैं तो कभी कभी वो कड़वापन आ जाता है वेजिटेबल्स में, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो जस्ट लेट दिस बॉइल फॉर अराउंड 2 मिनट। आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो स्टॉक है 2 मिनट के लिए कुक हो चुका है, पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इस टाइम पे मैं अपना ब्रोकली ऐड करूंगी, तो आराम से ऐड करी क्योंकि आपका पानी गर्म है। एंड अब मैं अपने स्प्रिंग अनियंस ऐड करूंगी। एंड लास्ट में गार्लिक ऐड करके आई जस्ट लेट इट कुक फॉर 5 मिनट्स। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं, मतलब हल्की कुक करनी है हमें। तो आप ये देखेंगे तो हल्का सा कुक हो गया है। एंड अगर आप ये देख सकते हैं तो ये पानी हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का हुआ है, अगर आप इस टाइम पे नोटिस कर पाए तो। तो अब मैं अपना गैस स्विच ऑफ कर दूंगी और इसे ड्रेन करूंगी। तो ये पानी हमें यूज करना है, इसलिए मैं इसे एक बोल में निकाल रही हूँ। तो आप भी पानी को सूप बनाने के लिए हमें यूज़ करना है, तो आप भी पानी को यूज़ करिएगा। तो अभी सारी सब्जियाँ ऐसे निकाल के 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दीजिए, फिर हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी ये सब्जियाँ हल्की सी ठंडी हो गई हैं और मैंने इसमें पानी नहीं, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे इनको क्या करना है, इस मिक्सी जार में डाल देना है अब ग्राइंड करने के लिए। और हमें इसका थोड़ा कोर्स पेस्ट बनाना है, क्योंकि एकदम ही फाइन पेस्ट अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कोर्स अच्छा लगेगा। तो जब आप ग्राइंड करेंगे तो मिक्सी में पल्स पे ग्राइंड करिएगा और थोड़ा सा कोर्स पेस्ट बनाइएगा। ये मैंने डाल दिया है और इस टाइम पे मैं अपने ये आमंड्स भी डाल दूंगी। बस यही 2 चीज़ें हमें डाल के इसका पेस्ट बनाना है। ग्राइंड हो गया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसको कितना ग्राइंड करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको थोड़ा कोर्स ग्राइंड करना है, तो ये देखिए थोड़ा कोर्स रखा है मैंने, अगर आप इसको नोटिस करें तो ऐसे ही हमें रखना है। अब हम इसका सूप बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये पैन ले लीजिए, ऑन कर दीजिए, जिसमें भी आपको सूप बनाना है वो ले लीजिए।
और फिर उसमें ये डाल दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा ये फैट फ्री है, इसलिए से मैं कोई घी ऑयल या बटर नहीं यूज कर रही हूँ। ये सारा पेस्ट इसमें डाल दीजिए और इसे 2 मिनट के लिए कुक करिए। तो अभी मैंने 2 मिनट के लिए कुक कर लिया था। अब मैं इसमें अपना वेजिटेबल स्टॉक डालूंगी, आई मीन जो हमारा पानी था इसका, तो ये डाल दीजिए सारा। एंड अब इसे एक बॉईल आने देंगे एंड इस टाइम पे मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी अपने। तो सबसे पहले तो सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, पेपर एंड फिर मिल्क डालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस टाइम पे बॉईल आना शुरू हो गया है। तो एक बार ये बॉईल आना शुरू हो जाए आप इसमें अपना मिल्क ऐड करिए। जितना पानी लेते हैं उतना ही मिल्क लेते हैं हम। तो ये मैंने सारा मिल्क ऐड कर दिया है। मैं हमेशा फुल क्रीम मिल्क लेती हूँ, आप अगर घर में जो भी मिल्क यूज करते हैं वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है, फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन एंड नाउ फाइनली टू दिस कलर। सो दिस इज द राइट कलर फॉर इट। जब तक हमारा सूप बॉईल होता है ये मैं कॉर्नफ्लावर मिक्सचर बना लेती हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिल्क मैंने बचा लिया था अपने उसमें से, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये कॉर्नफ्लावर थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें लम्स नहीं फॉर्म होने चाहिए, तो धीरे धीरे ही मिल्क ऐड करिए। एकदम एक साथ ऐड कर देंगे आप तो इसमें गट्ठे पड़ जाएंगे। तो ऐसे करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो ऐसे एक बार मिक्स करके इसको हमें सूप में डालना है। इससे क्या होगा कि हमारा सूप थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा थिक सूप पसंद है। अगर आप को नॉर्मल सूप अच्छा लगता है तो आपको ये अवॉइड कर सकते हैं ये स्टेप। तो अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, आप ये देख सकते हैं ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी मेरे सूप में एक बार बॉईल आ गया था, तो अब मैं अपना एक कॉर्नफ्लावर मिक्सचर डालूंगी इसमें। और जब आप कॉर्नफ्लावर का ये मिक्सचर डाल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। ऐसे स्टर करते करते ही ये डालिए, वरना वो इसमें लम्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये मैंने अपना डाल दिया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड नाउ आई विल जस्ट लेट इट कुक फॉर 5 मिनट्स ताकि थोड़ा थिक हो जाए। तो अब हमारा ये सूप आप देख सकते हो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है पहले से, कॉर्नफ्लावर डालने से होता है। तो मुझे ये कंसिस्टेंसी सही लगती है सूप की। अगर आप थोड़ा और गाढ़ा करना चाहें तो आप 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं, तो दैट विल बी इनफ, उससे ज्यादा मत यूज करिएगा। एंड मैंने इसमें एक्चुअली ये जो मैं बना रही हूँ आई एम मेकिंग इट फॉर 6 पीपल, दिस सूप सर्व्स 6 पीपल। सो मैंने इसमें यूज किया है 1 टीस्पून पेपर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब हमारा आमंड एंड ब्रोकली सूप रेडी है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है एंड आई हैव सर्व्ड इट विद सम गार्लिक ब्रेड। सो आई होप आपने रेसिपी एंजॉय की हो एंड आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए किचन स्टोरीज को। एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टाटा।